हेलो स्टूडेंट्स, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के मैथ्स 2 के टॉपर का पेपर है। एक क्विक वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस पेपर से हम क्या पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक को सीखते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप ज्योमेट्री का पेपर लिख रहे हैं तो अगर आप एमसीक्यू को देखेंगे तो इस फॉर्मेट में उन्होंने लिखा है। ज़रूरी नहीं कि आप क्वेश्चन लिखें, अगर आप डायरेक्ट आंसर विद ऑप्शन लिख रहे हैं तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो भी डायग्राम यहाँ पर बनेंगे उसमें डायग्राम कहाँ पर बनेगा, सेंटर में बनेगा। और हमेशा क्वेश्चन आंसर्स लिखने का फॉर्मेट क्या होगा, क्वेश्चन आंसर लिखने का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से, आप गिवन लिखेंगे, टू फाइंड लिखेंगे और फिर सॉल्यूशन लिखेंगे, इस तरह से आप लिखा करेंगे। अगर आप कोई आंसर फाइंड आउट करें तो लास्ट में आंसर इस तरह से होना चाहिए, ये आपका आंसर होगा। टॉपर का जो पेपर है उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा, आप वहां से उसको पूरे पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। और कोई भी डाउट रहेगा तो